नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो पहले पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, विभाज्यता के नियम और सारी संख्याएं पढ़ी थी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा वो टॉपिक, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। और अब अपने पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि अपने मैथ की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, कि स्पीड में अगर मैथ अपने कैलकुलेशन करनी हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी दृष्टि से। तो हम स्टार्ट करने, और वो जैसे अपने नौवीं आठवीं दसवीं की बात कर रहे हैं तो उसमें तो होता है वो वैदिक गणित। और जब हम कंपटीशन के लेवल पर चले जाते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए, तो ये वही टॉपिक ट्रिकी के रूप में सामने आता है। अभी ट्रिक है ये, बहुत शीघ्रता से कर सकते हैं अपने। तो ऐसा ही टॉपिक है जो आपके बहुत आगे काम आएगा। वैसे तो इसको छुड़वा दिया जाता है, बोर्ड के अंदर नहीं करवाया जाता है ज्यादातर, तो थोड़ा बहुत करवा दिया जाता है लेकिन उतना क्लियरिटी से नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बारीकी से उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरे ध्यान से पढ़ना है, फोकस यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि सारा दिन आपने एंजॉय किया है, अच्छे से खेले हो और आशा करता हूं घर पे ही रहे होंगे। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं विधि से गुणा। इसके लिए चार विधियां होती हैं मुख्यतः। जब किसी दो संख्याओं का गुणा करना होता है तो चार विधियां होती हैं मुख्यतः। पहली तो है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ठीक है, दूसरी विधि होती है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। और तीसरी विधि होती है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उर्ध्व तिर्भ्याम विधि। ठीक है, और चौथी विधि होती है इसी के आगे अपने होती है निखिलम विधि। ठीक है, निखिलम विधि। अब हम एकक इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सवालों में ये लागू होती है। जैसे कंपटीशन एग्जाम में जाएं अपने तो पता ऐसे थोड़ा ना लिखा आएगा वहां पे कि ये इस विधि से करो, उस विधि से करो, इस विधि से करो। तो हमें पता होना चाहिए कि किन किन सवालों में ये विधि लगती है, जब गुणा करना हो, और किन किन सवालों में ये विधि लगती है। तो जैसे ये विधि कब लगती है, जब संख्या के अग्र भाग यानी आगे के भाग समान हो। ठीक है, जब क्या हो, संख्या के अग्र भाग समान हो, और जब पश्च भागों का योग यानी पीछे वाले भागों का योग, फर्स्ट मैंने क्या होता है पीछे वाले भागों का योग, अगर एक हो, दस हो, सौ हो, हजार हो, तब यह विधि लगती है। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए किन किन सवालों में लगती है ये विधि। तो वो लगने के लिए सबसे पहले इन दोनों शर्तों को पहले पालन करना होगा। किसी सवाल को इस विधि से करना है तो जैसे ये सवाल आ गया अपने पास 54 × 56। तो इसमें देखिए आप लोग, आगे का भाग क्या है, अग्र भाग क्या है, समान है दोनों में, तो ये एक शर्त पूरी होगी ये वाली। ठीक है, अब पश्च भागों का योग यानी पीछे वाले भागों का योग 10 है, तो ये वाली भी शर्त पूरी होगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों में अपने एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगा सकते हैं।
तो इसमें अगर लगाना चाहेंगे तो एक सूत्र होगा इसका, वो आपको पता होना चाहिए। वो सूत्र है ये, समान संख्या गुणा समान संख्या प्लस वन और स्लैश का निशान, फिर भिन्न भिन्न संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो स्लैश के बाद में ये लिखना है। ठीक है, ये सूत्र है इस विधि का। अगर अपने ऊपर चल गया भी ये विधि से हो जाएगा ये सवाल, जब ये दो शर्तें फॉलो करेगा कोई भी सवाल तो ये विधि लग सकती है। तो इसके अंदर देखिए समान संख्या कौन सी है, पांच है, और भिन्न भिन्न संख्याएं ये है, और इन दोनों का योग अगर दस है तो ये विधि लग सकती है, एकाधिक अंतर्गण विधि। ठीक है, तो अब इसमें अपने को ये विधि लगानी है, तो यहां पे लिखेंगे समान संख्या, समान संख्या प्लस वन और ब्रैक स्लैश का निशान, और भिन्न भिन्न संख्या कौन सी है, चार गुणा छह, तो कितना हो गया 30 इसका आंसर, और इसका आंसर 24, तो आंसर आ गया अपने पास 3024, ये आ गया अपने पास इसका आंसर इस सवाल का। ठीक है, तो ये होता है एकाधिकेन पूर्वण विधि से गुणा करना। तो सबसे पहले तो ये विधि किन सवालों में लगती है, जब अग्र भाग समान हो, है ना, संख्याओं के आगे वाले भाग समान हो और पश्च भागों का योग 0, 1 हो, 10 हो, 100 हो या 1000 हो, तो फिर ये विधि लगा सकते हैं अपने। और अगर ये विधि लग सकती है तो फिर ये सूत्र काम करेगा उसके बाद में। ठीक है, तो समान संख्या प्लस वन और भिन्न भिन्न संख्याओं का गुणा। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें मानपुट कर देंगे, समान संख्या देखेंगे इसके अंदर स्वाद से, स्वाद के अंदर से देखिए समान संख्या, उसके बाद में यहाँ पे समान संख्या किसी का पांच, और फिर भिन्न भिन्न संख्याओं का गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आंसर आ सकता है जल्दी से। ठीक है, तो एक कंपटीशन एग्जाम में आ जाए अगर ऐसा सवाल, तो आप चंद सेकंड में यहां तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे, पांच पांच और एक अधिक छह, और चार को छह से गुणा करना है। ठीक है, 24 इधर आ गया, 30 यहां पे आ गया, ये चंद सेकंड में इसका आंसर आ गया। वरना वो अपने को प्रोसेस करना पड़ता है, पहले पांच से गुणा करो, छह से गुणा करो। ठीक है, गुणा बड़ा हो जाता है थोड़ा। तो इसके बाद में अपने स्टार्ट कर रहे हैं, आशा करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये सूत्र नोट कर लेना। ठीक है, और इसके बाद में एक न्यूनतम पूर्वण विधि, और सवाल करते रहना, क्योंकि ये आठवीं से लेकर के जो भी है कंपटीशन एग्जाम तक सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा। और इसके बाद में है एक न्यूनतम पूर्वण विधि। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पे लागू होती है, किन किन सवालों को कर सकते हैं। जब सवाल इस रूप का आए अपने पास, कोई भी संख्या हो उसका गुणा करना हो 9 से या 99 से या 999 से या 9999 से, तब ये विधि लग सकती है, अन्यथा ये विधि कार्य नहीं करती है और सवालों में। जैसे आप इस सवाल को अगर करना चाहेंगे तो ये सवाल इस विधि से नहीं होगा, एक न्यूनतम पूर्वण विधि से ये सवाल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 9 आना चाहिए गुणा के अंदर, या 99 आना चाहिए इस साइड में, या 999 या 9999 आना चाहिए, तभी ये विधि कार्य करती है। अब जैसे मैंने एक सवाल लिया आपके सामने, 46 × 99। अब सबसे पहले तो अपने को देखते पता चल गया कि ये इस विधि से हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि अब इसका सूत्र लिखना होगा कि किस तरीके से इसका हल होता है। जब हमें पता चल जाएगा अब इस विधि से इसका हल कर सकते हैं, तो हल करने का तरीका क्या रहेगा, जो भी संख्या होगी आगे वाली उसमें से एक कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही एक न्यूनतम पूर्वण है। एक न्यूनतम का मतलब एक कम करना, एक न्यूनतम का मतलब एक कम करना, और फिर एक कम कर दिया, फिर जैसे 9 हुआ, 999 हुआ या 999 जो भी होगा हमारे सवाल के अंदर ही, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है इधर साइड में, और उसमें से घटाना है क्या, इसमें से एक कम किया हुआ। ठीक है, इसमें से एक कम किया हुआ घटाना है, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा इधर। अब जैसे ये सवाल करें अपने,
तो अपने को पता चल गया कि इसमें लग सकती है कौन सी विधि, एक नुनेन पूर्वण विधि। तो 46 है, 46 में से सबसे पहले एक कम करेंगे, ये शर्त फॉलो हो गई, उसके बाद में ये काम करना है अपने को। तो 46 लिखना है एक ही जगह और 46 में से एक कम करना है, और इधर क्या आया अपने पास 99 है, और 99 में से घटाना है क्या 46 में से एक कम, ठीक है। तो ये अपने पास इधर आएगा आंसर 45 और इधर आएगा 54, ठीक है। तो आंसर आ गया अपने पास 45 54, ठीक है। तो इस तरीके से अपने एक न्यूनतम पूर्ण विधि कर सकते हैं। दोबारा से समझ लीजिए इसको ध्यान से, कोई भी संख्या हो उसके साथ में गुणा में अगर 9 हो, 99 हो, 999 हो, 9999 हो, तभी ये विधि कार्य करती है, ठीक है। और करने का तरीका जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, अब ये पता चल गया 99 इसके साथ तो ये विधि लगेगी, ठीक है। तो इसमें से जो आगे वाली संख्या होगी इसमें से एक कम करना होगा और उसी कम की हुई संख्या को इसके नीचे लिखना होगा इधर, ठीक है। बीच में स्लैश का निशान लगाना होगा, फिर ये इसमें से घटाएंगे और फिर इधर में से जो अपने 46 में से एक गया 45 ये यहाँ पे लिख दिया, अब दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे कौन सी विधियां, उद्धव त्रिभ्याम विधि और निखिलम विधि, जो कि काफी बड़ी विधियां है। निखिलम विधि में 3 संख्याओं का गुणा होता है, 2 संख्याओं का गुणा होता है, अलग अलग सूत्र होते हैं इनके, याद भी करवा दूंगा आपको वो सूत्र सरल तरीके से। तो देखते रहिएगा वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो करें, ताकि हम और आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकें, ठीक है। तो धन्यवाद, शुभ दिन।